एक्चुअली बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो मालिका बोल रहा है, मालिका एक कह रहा है कि कलयुग के अंतिम कालखंड में ऐसा कोई अवतारी पुरुष आएंगे और जो पृथ्वी को शासन करेंगे और उनको हम कहते हैं कल्कि अवतार, महाप्रभु कल्कि आएंगे, राइट। तो फिर कुरान में भी ये लिखा है, कुरान ये कह रहा है कि इमाम अल मेहंदी आएंगे जो पृथ्वी को शासन करेंगे। वैसे देखा जाए तो बाइबल में भी लिखा है, बाइबल ये कह रहा है कि हनक आएंगे और वो पृथ्वी को शासन करेंगे। कौन आएगा लिखा है? हनक, हनक सनक, हाँ, लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु आएंगे। अच्छा, और इसमें यह भी लिखा है कि जो हमारा बौद्ध धर्म है उनका धर्म ग्रंथ ये कहता है कि मैत्री बुद्ध आएंगे, yeah, और वो पृथ्वी को शासन करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन बैठ रहा है। एक्चुअली में चारों धर्म से चार अवतारी पुरुष आएंगे या फिर एक अवतारी पुरुष आएंगे जो सहार करेंगे और सारे के सारे चीजों को सेटलमेंट की ओर लेके जाएंगे। हाँ, आपका रिसर्च क्या कहता है? खास करके हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो किताब है कल्कि लीला, कल्कि लीला पुस्तक में बिल्कुल इसके बारे में बारीकी से वर्णना की गई है। ये लिखा गया है महाप्रभु कल्कि कब आएंगे, उनके शरीर में क्या क्या लक्षण होगा और उनके लीला जो है वो तीन स्तर में दिखाया गया है। एक है मध्यम लीला, अंतिम लीला और आदि लीला। तो फिर आइए जानते हैं क्या कहता है श्री पुलिन बिहारी पंडा जी का रिसर्च। मालिका में किए हैं लगातार 30 साल का जो रिसर्च उन्होंने किए हैं, अपनी जिंदगी के 30 साल दिए हैं मालिका रिसर्च के लिए, रात दिन एक कर दिए हैं उनका जो कठिन परिश्रम, उसके बदौलत ये किताब हमें मिला है। आइए सीधा सीधा जानते हैं क्या कहता है इनका रिसर्च, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए हर युग में जी अंतिम में प्रभु आते हैं धर्म प्रतिष्ठा करने के लिए जी, अभी वो भी आएंगे। अच्छा, दशम अवतार प्रभु का अपना हिसाब से, हिंदू धर्म का हिसाब से ये दशम अवतार होंगे, कल्कि अवतार। प्रभु तो एक ही है ना, चार प्रभु नहीं है, एक ही है प्रभु, एक ही है सबके लिए। वो लोग अपना भाषा में कोई खुदा अल्लाह बोलते हैं, कोई गॉड बोलता है, कोई बुद्ध बोलता है, वो बात दूसरा है, लेकिन प्रभु तो एक ही है ना, एक ही है। देखिए मैं एक कुछ एग्जाम्पल दूंगा इसके बारे में। अपना किताब में है, मालिका में लिखा हुआ है कि प्रभु शून्य से आकाश से आगमन करेंगे। अच्छा, लिखा है सुनरु आरोहण पुनी करिबेटी प्रभु तेतिकी बेलदे समर होइबटी करिबेटी सबु। ये अच्युत जी लिखे पद्मकल्प टीका में। इसका मतलब ये है कि शून्य से या आकाश से प्रभु आगमन करेंगे। अच्छा, उसको सेम थिंग हैज बीन रिटन बाय अदर संत्स आल्सो जी जी, कि प्रभु उदय होंगे, आगमन करेंगे। और बाइबल में क्या लिखा है, एंड देन दे विल सी द सन ऑफ मैन कमिंग इन ए क्लाउड विद पावर एंड ग्लोरी। नाउ व्हेन दीज थिंग्स बिगिन टू हैव नो टेक प्लेस, लुक अप एंड रेज योर हेड्स बिकॉज योर रिडेम्पशन इज नियर। ये बोलते हैं प्रभु आकाश मार्ग से आएंगे और जब आप लोग देखेंगे उसको मालूम पड़ेगा आप प्रभु आ रहे हैं, उस टाइम प्रेयर करिए उसको, उस टाइम क्योंकि प्रेयर कीजिए प्रभु को, रेज योर हेड, ऊपर ऊपर देखिए प्रभु को, क्योंकि तुम्हारा मुख्य टाइम निकटवर्ती हो गया है, मुख्य होने का टाइम। अच्छा अच्छा, नजदीक आ गया है। एक है बाइबल का वाणी, कुरान में लिखा हुआ है इमाम मेहंदी जब आएंगे उस दिन ग्रहण होगा, रमजान महीना होगा और उस दिन बहुत सारे सारे
आपका ये नेचुरल कैलामिटीज होगा, ओके ओके, अर्थक्वेक होगा, ये साइक्लोन होगा, है, और वही चीज लिखा हुआ है अपना सब पे, वही लिखा है। अच्छा अच्छा, कि उस दिन क्या क्या होगा, मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उस दिन आएगा। बस जी देखिए, इसमें और एक चीज आपको बोलता हूँ, उसका कुरान के लेके इसमें बाइबल में क्या लिखा है, इमीडिएटली आफ्टर डिस्ट्रेस ऑफ दोज डेज द सन विल बी डार्कन्ड, मून विल नॉट गिव लाइट, द स्टार्स विल फॉल फ्रॉम द स्काई एंड द हेवनली बॉडीज विल बी शेकन एंड द सन ऑफ मैन विल अपीयर इन द स्काई। Son of man will appear in the sky. वो लोग क्या है, ये जीसस क्राइस्ट को सन ऑफ मैन बोलते हैं, मानव पुत्र। और अभी ये और एक चीज हम बोले उधर, सन ऑफ मैन विल बी द सन ऑफ लिविंग गॉड बोल के लिखा हुआ है बाइबल में। उसका मतलब समथिंग एल्स है, जो अपना ये पंचका के साथ साथ मिल जाता है पूरा कम्प्लीटली। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये भी वही लिखा है कि आपका आकाश धूम्रमान हो जाएगा, सूरज किरण नहीं देगा, मून किरण नहीं देगा, और आपका ये स्टार्स उल्कापात होगा, ये सब चीज लिखा है वो लोग। तो सेम थिंग ऑल्सो हैज बीन रिटन बाय पंचकाज। अच्छा, तो उसका मतलब क्या हुआ, जब कैसे आएंगे समान हो गया, आने टाइम में क्या क्या होगा वो भी समान हो गया, लेकिन एक ही हो गया वो, तो ओनली वन विल कम। अच्छा, मतलब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट एक आ रहा है कि पिक्चर कि चार धर्म से चार अवतारी पुरुष नहीं आएंगे, वन विल कम वन अवतार, उसको एक ही अवतारी पुरुष लोग बोलेंगे, जैसे अपने अपने धर्म के लोग अपने अपने मसीहा बताएंगे, बस वही होगा ना। हाँ, क्योंकि लिखा हुआ है मेरे जो आदमी है, मेरे जो भक्त है वो मेरे पास रहेंगे, बाकी जितना भक्त दुनिया में है सबको मैं इकट्ठा करके मेरे पास ले आऊंगा। जी जी जी, तो फिर इसमें ऐसा होगा कि एक विश्व धर्म, इसका मतलब है वन वर्ल्ड रिलीजियन। इसके बाद एक आ रहा है एक विश्व सरकार, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। इसके बाद आ रहा है एक विश्व शासक, वन वर्ल्ड रूलर। तो ये जो व्यवस्था है उसका गठन होगा और फिर उसको सारे के सारे जो देश उस समय होंगे वो लोग उसको प्रस्तावित करेंगे और इस व्यवस्था को अपनाएंगे, और इसी में से जो होगा, मतलब अवतारी पुरुष जैसे मालिक का नाम कहते हैं महाप्रभु, कल्कि आविर्भाव होंगे और ये सब चीज़ों का सेटलमेंट करेंगे। सुनिए, इसमें और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, इस मामले में बाइबल में और पंचका में तो आपका मालिका में एक चीज लिखा हुआ है कि जब अंतिम टाइम आएगा, युद्ध खत्म हो जाएगा, उसके बाद आकाशवाणी होगा। अच्छा, कि सब एक धर्म में रहो, सब एक गौर को मानो, वो वाणी होगा, वो बाइबल में लिखा हुआ है, मालिका में लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब आसमान में एक सुनाई देगा, एक आवाज़। हाँ, आवाज़ सुनाई देगा।